अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्ट्रीट लाइट। सोशल मीडिया हम सबकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, हमारी ज़िंदगी का और हमारे दिन का एक बहुत ही मेजर हिस्सा सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए गुजरता है। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लोग बहुत ज़्यादा वक्त इसके ऊपर गुजारते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से मिलती है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही फजूल किस्म की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल रही होती हैं। ऐसी गैर इखलाकी चीज़ें या लोगों की पर्सनल लाइफ, लीक्ड वीडियोज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको एट टाइम्स लगता है कि बहुत नेगेटिविटी सोशल मीडिया की वजह से आपकी ज़िंदगी में आ रही है या नेगेटिविटी को फैलाता है या प्रमोट करता है सोशल मीडिया। और ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, जिस वजह से बहुत से लोग इसको इस दौर का फितना भी कहते हैं, दजाल भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि सोशल मीडिया इस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया के नेगेटिव व्यूज़ या इविल ऑफ सोशल मीडिया, ये इतना एक वास्ट टॉपिक है कि आई डोंट थिंक सो कि ये एक डिस्कशन में कवर किया जा सकता है। लेकिन आज की चर्चा में हम लोग को दो तीन बेसिक बातें हैं जो नेगेटिविटी के बारे में सोशल मीडिया के जो डिस्कस करेंगे, और कोई सोल्यूशन भी जो हमें समझ आता है वो सजेस्ट करेंगे। एक ख्याल हमें क्यों आया कि इस पर चर्चा की जाए, पिछले दिनों में पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर सिंगर हैं जिनके गाने वगैरह काफ़ी चलते हैं, उनकी कोई फैमिली डिस्प्यूट था, आई थिंक कोई वो घर की लड़ाई थी जो थोड़ी बाहर तक आ गई, तो उनके किसी नेबर ने या आसपास के किसी बंदे ने वो वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने जानते थे उन तक वो वीडियो पहुँची, उसके ऊपर मीम्स बने, बहुत तबसरे किए लोगों ने, बहुत तज्जिए किए, बहुत मजाक उड़ाया। तो वो बड़ा, मुझे लगता है कि मैं अगर उस बंदे की जगह खुद को रख के सोचूँ तो ये बहुत पेनफुल है कि आप ये सोचें ही ना कि यार ये जो आप कैमरे में शूट करके किसी की ज़िंदगी का ज़ाती मसला या फड्डा या जो भी सिचुएशन किसी को फेस करनी पड़ रही है, आप वो शूट करके बगैर सोचे समझे उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं, और उस शख्स की ज़िंदगी के ऊपर इस बात का क्या इम्पैक्ट होगा, आपको उसका ख्याल ही नहीं है, आपको ये एहसास भी नहीं कि ये बाकायदा एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत ही गलत काम है जो आपने किया है। और आए दिन इस तरह की वीडियोज़, आइदर वो लीक्ड वीडियोज़ हैं या किसी के घरेलू मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े के वीडियोज़ हैं, या और किसी के साथ कोई वारदात, कोई हादसा हो जाता है, उसके ऊपर मीम्स बन जाते हैं या उस वीडियो को लोग खुद, रिश्तेदार, करीबी लोग वायरल कर देते हैं। ये ट्रेंड मुझे लगता है बहुत ही पेनफुल है, अगर आप इससे गुजरे तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस फिलहाल? यार मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर बैठे डर है कि मैं इस टॉपिक पर बात करते करते लिटरली गुस्से में ना आ जाऊँ। मैं जनरली इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता हूँ, गुस्सा कर जाता हूँ इस टॉपिक पर। सॉरी टू से, मैं अपनी कौम के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और मैं बाकायदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। ये जो हम वीडियो लीक्स कर देते हैं या जो हम अपनी तरफ से विकी लीक्स के सहाफ़ी बन जाते हैं, आई मीन टू से हमारी साइकी, मुझे कभी कभी ना एट टाइम्स एक बच्चे की लगती है जिसके लिए ये सब एक खिलौना और एंटरटेनमेंट है, विदाउट रियलाइजिंग कि अगले इंसान की ज़िंदगी का क्या हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसके बारे में इर्द गिर्द के लोग क्या सोचेंगे, उसका सोशल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, मगर हमें क्या है, हमें अपना दो दिन का मज़ा लेना है या हमने दोस्तों में शायद फन्ने खानी मारनी है कि वाह वाह भाई वाह, हमने फलाने बंदे की वीडियो लीक कर दी या हमने उसकी स्क्रीन शॉट्स लीक कर दी या उसकी कोई भी प्राइवेसी इन्वेड कर दी और हम लोगों को उस पर तमगा उसने कारकर्दगी मिल गया, अगले बंदे के साथ जो मर्जी हो, वी डैम केयर। अगर जो आग तुम लोगों ने दूसरों के घर में लगाई है या दूसरों की लगी आग पर तुम चुप हो ना, तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो एक दिन आग तुम्हारे घर की, तुम्हारी दहलीज पर नहीं आएगी। अगर आप मिसाल के तौर पर लोगों की चादरें उठा रहे हैं या लोगों के जाकर आप लोग पर्दों में जा जाकर चा कर रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके घर में फिर आपकी दफा ये नहीं होगा और फिर क्या आप अपनी दफा में फिर वही मजा लेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती हम लोग इतने इनसेंसिटिव और इतने इरेस्पॉन्सिबल हैं क्यों इस चीज़ को लेकर। हालांकि कहने को हम लोग मुसलमान हैं और एक इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम लोग जो खुदा की तरफ से या जो रिलीजन में गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो करें और उसको पढ़ें, तो उसमें क्लियरली मैंशनड है कि आप कोई भी बात किसी की सुने तो बगैर उसको वेरीफाई किए आगे ना फैलाएं। और उसके अलावा हमें क्लियर कट ये ऑर्डर्स हैं बकायदा, इसको पसंद किया गया है कि अगर आप किसी की कोई कमी, बुराई, वीकनेस, कमज़ोरी देख लें या आप तक किसी का कोई गुनाह या कोई करतूत पहुंच जाए तो उसको छुपा लें, उस पर चुप हो जाएं, उसका जिक्र ना करें, उसके इश्तिहार ना लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह वादा कर रहा है कि ऑन द जजमेंट डे वो आपको सेफ गार्ड करेगा, आपकी इज्जत रखेगा। मुसलमान होते हुए हमारा ये हाल है कि हमारे हत्ते किसी का कोई वीक पॉइंट आ जाए सही, हम उस बंदे को नचा छोड़ते हैं। मतलब मैं बिलाल की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वाकई सोशल मीडिया अब एक बंदर के हाथ में माचिस वाला सीन हो गया हुआ है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। यू नेवर नो कि अगला नंबर आपका भी लग सकता है, हमारा लग सकता है, किसी का लग सकता है। तो इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमारी इखलाकी ट्रेनिंग की जाए, हमें बताया जाए कि लोगों की सीक्रेट्स को लीक नहीं करना, उसका एहतराम करना है,
और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट को बहुत सख्त कानून साजे करने चाहिए इसके बारे में, की भी गई है, कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कुछ रिलीजियस और खास किस्म के क्लॉजेज हैं जिसको कोई टच करता है तो साइबर क्राइम वाले या फिर वो लॉ एक्टिव होता है और उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। जो किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें लीक की जाती हैं, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए जो स्क्रीनशॉट्स लोगों ने रखे होते हैं और जो कुछ भी चलता है, आपको पता है, आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ सख्त कानून साजी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, सख्त सजाएं दी जाए, क्योंकि ये बदअखलाकी का एक नेक्स्ट लेवल है, ये किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मगर यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या गवर्नमेंट ने हर चीज आकर करनी है, गवर्नमेंट ने कानून साजी करनी है तो हमें होश आनी है? मतलब हमने अपने पल्ले से अपने जिम्मे का काम हमने करना ही नहीं है, या हमने कसम खाई हुई एज अ नेशन? अच्छा जी, पहले कानून बनेगा, फिर इम्प्लीमेंट होएगा, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, अच्छा उतनी देर तक फिर जी खुली आजादी है कि हम लोगों की इज्जतें उछालते फिर? मुझे लगता है इसकी दो स्टेजेस होनी चाहिए। पहली स्टेज पे तो सबसे जरूरी है कि आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल में, सोसाइटी में, माशरे में आपकी ट्रेनिंग की जाए इखलाकी, आपको ये बताया जाए, सिखाया जाए कि बेटा सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप इन्फॉर्मेशन लें, इसके बड़े फ़ायदे हैं लेकिन इसके नेगेटिव यूजेस भी हैं और उसकी तरफ आपने नहीं जाना, इसको डिस्करेज किया जाए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इसको डिसलाइक किया जाए, ट्रेनिंग की जाए अगली जनरेशन की और हमारी भी। और सेकेंडली फिर आता है गवर्नमेंट का रोल। आप दुनिया में जितने मर्जी अखलाकियात के लेक्चर दे दें, चोरियाँ, क्राइम्स, ये दो नंबरियाँ, बेगैरतियाँ ये होती रहेंगी, लोग इससे बात नहीं आते, फिर आपको उनको डराना पड़ता है, पहले आप समझाते हैं और जो नहीं समझता फिर आप उसको सजा देते हैं, फिर उसको आप पिनलाइज करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि फर्स्ट स्टेप ये हो कि हमें इखलाकी तौर पे ग्रूम किया जाए, और सेकंड स्टेप ये हो कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे और सख्त सजाएं दे जो इस तरह के काम करते हैं कि किसी की वीडियो लीक करते हैं या किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं या किसी शख्स को जलील करने की हद तक उसका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा देते हैं। पर्सनल लेवल पर बाकायदा आप जब किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं या किसी से बात करते हैं, मुझे ये लगता है हम लोगों के ना जहन में एक साइकी हमारी इस तरह की बन गई हुई है, हम उससे बात करने से पहले ना ये जहन में चीज़ बिठा लेते हैं कि इससे हम बात करें, ये ज़रा सा राइट लेफ्ट हुआ ना तो हम इसको ना इस तरह स्क्रीनशॉट्स बना के या इसकी इस तरह से वीडियो बना के हम लीक कर देंगे। यानी कि हम लोगों की आपस में एक म्यूचुअल सिंसेरिटी ही नहीं है, एक तरफ हम लोगों के अंदर इतनी इखलाकियात ही बाकी नहीं रही कि हम किसी से नेक नीयती से बात कर ही नहीं रहे। यानी कि हम इस नीयत से बात करें कि ये बंदा अगर लेफ्ट राइट हो गया ना तो देखो फिर हम इसके साथ करते क्या, या तो इस तरह कम्युनिकेशन ना किया करें फिर एक दूसरे से, अगर आप लोग एक दूसरे पर अगर ट्रस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये करना ही है तो फिर ये देख लें, जिसने किया उसको कल भुगतना भी पड़ेगा, ये लॉ ऑफ नेचर है। सो बाकी मैं तो अगर और बात करूंगा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो शायद बहुत ही शूट कर जाऊंगा, मैं हाइपर हो जाऊंगा। एक बात बहुत अच्छी है बिलाल की बात को सेकंड करते हुए कि आजकल अगर आप ऑब्जर्व करें, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट कार्मा, कार्मा इज रियल, कार्मा इज अ बिच, यस, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो करेगा वो भुगतेगा, ये जानते हुए भी जब हम लोग फिर किसी के इश्तेहार लगाते हैं, जब किसी को ब्लैकमेल करते हैं या किसी की इज्जत उछालते हैं लोगों में जाके, या किसी के बारे में बदगुमानियां करते हैं और लोगों में नेगेटिविटी, नफरतें फैलाते हैं या किसी को डिग्रेड करते हैं, तब हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये कार्मा है और मेरे तक वापस आएगा? अब इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग इस टॉपिक को अंडर डिस्कशन लाएं। इस टॉपिक को मुझे लगता है हम लोगों को ना बहुत ज्यादा एक दूसरे को अवेयर करने की जरूरत है, और ये टॉपिक मुझे ये लगता है कि इस पे एक दफा बात नहीं होगी, बार बार बात होगी। देखो यार, इसको ना एक पर्सनल लेवल पे हर कोई बंदा मिशन बना ले कि भाई हमने किसी की ना किसी की बात को उछाल कर उसको बेइज्जत नहीं करना या उसको ब्लैकमेल नहीं करना ना जाए इस तौर पे। और ट्रस्ट में ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बहुत सी और बुराइयों से बचते हैं, हाँ। आप इससे भी बचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बड़े फ़ायदे हैं, इससे ब्लेसिंग, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको नॉलेज बढ़ता है, आपका दुनिया की खबर रहती है, लेकिन इसमें से जो नेगेटिविटी है ना उसको कम करने में आप, मैं, हम सब अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली मैं एक चीज़ मेंशन करूँ, मीम्स जो है ना वो कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, वी डू लॉट्स ऑफ मीम्स, वी शेयर लॉट्स ऑफ मीम्स, और मीम्स में समटाइम्स एक फन एलिमेंट ही होता है। हम स्पेसिफिकली वो जो किसी को डिग्रेड करने वाले या किसी की कोई कमी, कोई वीकनेस पकड़ी गई है उसके ऊपर उसको डिग्रेड किया जा रहा है, चेजा लिया जा रहा है, उसकी किट लगाई जा रही है, इस हद तक कि अगला बंदा बेचारा सुसाइड करने की सोचना शुरू हो जाए, इस ट्रेंड को डिस्करेज किया जाना चाहिए। आज की वीडियो का मकसद यह है कि हमारे में अवेयरनेस पैदा हो कि सोशल मीडिया को हम लोग पॉजिटिवली यूज करें, अब्यूज ना करें। आई होप आपको मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ये हमारे लिए नहीं, जनरली अगर आपको दिल में ये बात लगी है तो अपने दिल से, अगर आप हमारी बातें सच्ची लगी है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली को बोलो भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी और अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपके साथ। बैठ के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।